नमस्कार दोस्तों, आज मार्केट में हमको बहुत ज़बरदस्त तबाही देखने को मिली है। मार्केट कम्प्लीटली लाल हो चुका है। स्पेशली जिन दोस्तों ने, आप में से कोई भी ऐसा दोस्त है जिसने अडानी ग्रुप के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके रखा होगा, तो आप लोगों की आज के दिन में बैंड बज चुकी होगी, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग हमको देखने को मिली है। अडानी ग्रुप के जितने स्टॉक है हर एक के अंदर हमको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एंड ये गिरावट होने का रीज़न है, ऑब्वियस बात है, हमको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिली है। उस न्यूज़ की वजह से स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हो रही है। न्यूज क्या है ऑलरेडी इससे रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, तो न्यूज को डिटेल में कवर नहीं करेंगे। जो हम कवर करने वाले हैं कि अडानी ग्रुप के सारे जो स्टॉक है उनका एनालिसिस करेंगे दो दो मिनट के लिए, और समझेंगे कि क्या ये जो गिरावट हो रही है या फिर जो ये न्यूज हमको देखने को मिली है, इस न्यूज के आने के बाद ही स्टॉक में गिरावट हो रही है या फिर कुछ समय पहले से ही कहीं ना कहीं हमको एक इंडिकेशन मिल रहा था कि स्टॉक कहीं ना कहीं नेगेटिव होते जा रहे हैं, राइट। वो हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। न्यूज़ क्या है आप लोगों को नहीं पता है तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूं कि यूएस की जो कोर्ट है उन्होंने रिसेंटली अमेरिका की जो कोर्ट है उन्होंने अडानी के ऊपर एलिगेशन लगाया, जहां पर फ्रॉड का केस इनके ऊपर किया और अरेस्ट वारंट भी जारी किया है, राइट। एंड इसके अलावा और डिटेल में न्यूज़ वगैरह, इन्होंने अडानी ग्रुप की जो एक कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी, एंड उससे रिलेटेड ये सारी न्यूज़ कंप्लीटली ये चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा न्यूज़ आप देख लीजिए, अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर एंड वहाँ पर सारी चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में, ठीक है। स्टॉक का मैंने, इन हर एक स्टॉक का मैंने कहीं ना कहीं पहले एनालिसिस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर करके रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें समझना आसान है अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके का एनालिसिस आपको कहीं पर मिलने नहीं वाला है, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एडवांस चीजें मैं यहां पर आपको बता के जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में। इस स्टॉक के अंदर आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो मैंने आपको पहले ही काफी समय से, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि स्टॉक हाई लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था लंबे समय से, तब कोई न्यूज नहीं थी, न्यूज तो अभी रिसेंटली एक दो आज हमको देखने को मिली है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि स्टॉक के अंदर जो कहीं ना कहीं ये जो लेवल जैसे ब्रेकडाउन होगा तो स्टॉक कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक के अंदर यहां पर ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद देखोगे तो कहीं ना कहीं पहले ही मार्केट ने इंडिकेशन दे दिया था, हमारे एनालिसिस के हिसाब से ब्रेकडाउन यहां पर पहले ही हो चुका था, ठीक है। और रिसेंटली देखोगे मार्केट गैप डाउन हुआ, कहीं ना कहीं जो मैंने नीचे में जो प्राइस आपको बता के रखी थी कि अगर मार्केट गिरता है तो कौन सी प्राइस पे आ सकता है, तो वो प्राइस मैं आपको पहले ही बता के रखा था, ऐसा नहीं कि आज बता रहा हूं, प्राइस ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता के रखी थी। 2150 के आसपास की मैंने प्राइस आपको बता के रखी और एग्जैक्टली उसी के आसपास मार्केट ने आज क्लोज किया है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये 2150 का लेवल होल्ड नहीं करेगा तो ये गिरावट और कंटिन्यू होने वाली है। बाकी कहीं ना कहीं अगर इस प्राइस को होल्ड करता है मार्केट बीच में, फिर यहां पर टाइम पास कर सकता है, यहां पर ये साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक 2150 होल्ड नहीं करता है तो आने वाले टाइम पर आपको ये स्टॉक और भी गिरता हुआ नजर आ सकता है, और नीचे में और कहां तक आ सकता है वो भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये गिरेगा तो स्टॉक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा 1870 से 1800 की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर और गिरता है तो 1585 से 1600 की रेंज में आपको ये देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अडानी पोर्ट्स के बारे में। अगर इस स्टॉक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्टॉक काफी समय से अप ट्रेंड में ही चल रहा था, और रिसेंटली देखोगे लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेवल शेयर किया था कहीं ना कहीं 1250 के आसपास या 45 के आसपास की ये रेंज थी। आज देखोगे मार्केट इसी के आसपास होल्ड कर रहा था, लेकिन न्यूज़ के कारण डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे में जो एग्जैक्टली मैंने आपको लेवल बता के रखा था 995 का लेवल, ठीक है, एग्जैक्टली लेवल था, उसी एग्जैक्ट लेवल पर मार्केट ने टच किया और वहीं से रिकवरी किया है। यानी कि जो अपना लेवल था एग्जैक्टली उसको हिट किया, वहां से फिर से मार्केट में बाइंग आई और एक शार्प रिकवरी हमको इसमें सेकेंड हाफ में होती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी से रिकवरी यहां पर होती हुई दिखाई दी है हमको, ठीक है। अब यहां पर मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट बीच में टाइम पास कर सकता है। अब अगर ये 1000 के नीचे निकलता है तो कहीं ना कहीं फिर हमको ये 760 के आसपास आता हुआ, यानी कि लगभग 757 के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है या 755 के आसपास नजर आ सकता है, ठीक है, अगर ये 995 का लेवल अब ब्रेक करता है तो, अदरवाइज मार्केट इस रेंज के बीच में टाइम पास करेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं अडानी पावर के बारे में। इस स्टॉक के अंदर तो मैं ऑलरेडी काफ़ी समय से नेगेटिव हो चुका हूं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक ने बना के दिया, और जब स्टॉक ने
यहाँ पर था, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि 620 का लेवल, ठीक है, 620 का लेवल मैं स्टॉक में ऑलरेडी बता के रखा था। अगर ये प्राइस ब्रेक करेगा तो स्टॉक नेगेटिव होगा, नेगेटिव होकर ये 400 के आसपास आता हुआ आपको नजर आएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, स्टॉक के अंदर पहले भी एनालिसिस करके दिया है, अभी हम सिर्फ सेम एनालिसिस को रिपीट कर रहे हैं। अभी आप देखोगे करंट प्राइस पे स्टॉक में काफ़ी अच्छा करेक्शन यहाँ पर हुआ है और स्टॉक कहीं ना कहीं 400 की रेंज में, 413 मैंने एग्जैक्ट लेवल बता के रखा है, उसी के आसपास अभी मार्केट ने आज गैप डाउन हुआ लेकिन रिकवरी हमको देखने को मिली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर फिर से थोड़ा बहुत गिरता है कल एक दो दिन में मार्केट या कुछ दिनों में नीचे आता है तो कहीं ना कहीं 400 से 413 की रेंज में मार्केट एक अच्छी प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद हो सकता है रिकवरी करे। बाकी अगर 400 का लेवल होल्ड नहीं करेगा और इसके अगर नीचे निकलता है स्टॉक तो भाई साहब फिर ये स्टॉक आने वाला 150 के आसपास की रेंज में आपको ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। उससे पहले आपको कहीं ना कहीं ये इस लेवल पे भी जरूर देखने को मिलेगा, लगभग 300 की रेंज में पहले आएगा। ये लेवल होल्ड किया तो ठीक, नहीं तो 150 तो इसका फिक्स हमको दिख ही रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें नेक्स्ट स्टॉक के बारे में तो ये स्टॉक भी पहले नेगेटिव हो चुका है, न्यूज़ आने से पहले ही हमको कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट तो यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है। स्टॉक बात करोगे मैंने लास्ट टाइम मार्केट देखोगे अडानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है, इसी की न्यूज़ आई है, इसी स्टॉक के बारे में न्यूज़ आई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखोगे काफ़ी लंबे समय से स्टॉक जो हायर प्राइस के आसपास साइडवेज रहा, लेकिन जैसे ही कुछ समय पहले देखोगे स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिला 1600 का, और मैंने आपको हर बार बताया कि 1600 की प्राइस अगर स्टॉक होल्ड नहीं करेगा तो स्टॉक नेगेटिव होगा, स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। तो आप न्यूज़ आप अगर आज देख रहे हो लेकिन इंपैक्ट हमको पहले ही यहां से दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी अपना पैसा यहां पर पहले ही निकालना शुरू कर चुकी है। और कहीं ना कहीं जो नीचे में मैंने आपको लेवल बता के रखा था 1180 के आसपास का लेवल था, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसी रेंज में उसी जगह पर लगभग मार्केट ने आज क्लोज किया। अब अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर इमीडिएट तौर पे मार्केट होल्ड नहीं करता है, जिस प्राइस पे चल रहा है उस प्राइस को अगर ये होल्ड नहीं करता है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर आपको ये स्टॉक फिर से 1800 लगभग 850 की रेंज में, ठीक है, 850 की रेंज में आपको ये स्टॉक देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से सेलिंग होती है तो 850 आपको आता हुआ नज़र आ सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये लेवल होल्ड कर जाता है तो यहाँ से फिर से रिकवरी होकर यहाँ पर मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए कि नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है अपनी लिस्ट में तो वो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ठीक है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात की जाए तो इस स्टॉक के अंदर भी अपने एनालिसिस के हिसाब से पहले ही मार्केट नेगेटिव हो चुका था, ठीक है। मैंने आपको इसमें बता के रखा था लगभग 920 से 900 की रेंज, ठीक है, लगभग 900 की रेंज, और देखोगे मार्केट ने कुछ दिनों पहले ही 900 की रेंज यहाँ पर ब्रेक कर दी और फिर आज देखोगे एक बड़ा गैप डाउन हुआ मार्केट और डायरेक्टली जो नीचे में मैंने आपको ऑलरेडी लेवल बता के रखा था लगभग 700 का लेवल, ठीक है, तो एग्जैक्टली प्राइस देखोगे लगभग 700 के आसपास ही मार्केट ने क्लोज किया है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये 700 के आसपास का लेवल होल्ड नहीं करता स्टॉक तो कहीं ना कहीं और बड़ी गिरावट यहां पर और सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पर। ये प्राइस क्रॉस करती है तो कहीं ना कहीं 400 एक बड़ा सपोर्ट एरिया दिख रहा है, तो यहां तक प्राइस हमको आती हुई नजर आ सकती है, और कोई बड़ी बात नहीं स्टॉक के लिए इतना गिरना, क्योंकि अगर स्टॉक 900 वाला 700 आ सकता है तो 700 वाला स्टॉक 400 भी आ सकता है और 400 वाला स्टॉक 1000 भी वापस जा सकता है, तो वो चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ एनालिसिस देखना है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है और मैंने कब क्या इसमें एनालिसिस करके दिया और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर स्टॉक में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि न्यूज़ तो अभी देखने को मिली है लेकिन बड़ी पार्टी इससे कुछ दिनों पहले ही कहीं ना कहीं सेलिंग करती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो सेलिंग का इम्पैक्ट पहले ही हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए अडानी टोटल गैस, इस स्टॉक के अंदर भी मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बताया था काफ़ी समय पहले और ये प्राइस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, ठीक है। प्राइस कौन सी थी, लगभग 840 के आसपास का लेवल, ठीक है, 840 से 800 का राउंड लेवल नंबर था, और ये मैंने एनालिसिस करके दिया था कि अगर ये प्राइस होल्ड नहीं करते तो स्टॉक में गिरावट आएगी और गिरावट ही आ सकती है 500 के लेवल तक। अब अगर आप देखोगे प्राइस में तो प्राइस कहाँ पर चल रही है, 800 से 840 का लेवल ब्रेक किया और कहीं ना कहीं स्टॉक नीचे आया, लगभग 526 अभी लगभग लो लगा के गया, 600 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया, तो थोड़ा बहुत अगर एक दो दिनों के अंदर और नीचे आता है तो 525 से 500 की रेंज आपका ये सपोर्ट एरिया रहने वाला है, यहां तक स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये 500 का लेवल आने वाले टाइम पर होल्ड नहीं करेगा
तो कहीं ना कहीं 380 से 400 की रेंज या 380 के आसपास का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर, कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से अगर मान लीजिए इसका स्टॉक ये होल्ड करता है और रिकवरी करता है, फिर कहीं ना कहीं फिर से ये 800 की रेंज आपको आती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल है मार्केट, तो टाइम ले सकता है, या फिर साइडवेज हो गया तो ऊपर जाने में काफ़ी लंबा समय स्टॉक लेता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए, अडानी विलमार। ठीक है, अडानी विलमार को मैं काफ़ी समय से अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा था, काफ़ी शानदार स्टॉक है और ये लगभग मेरा अडानी ग्रुप का सबसे फेवरेट स्टॉक है। ठीक है, इस स्टॉक की बात की जाए, लंबे समय से स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस पीरियड के अंदर मैंने आपको क्लियर कट बता के रखा है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, 315 से 300 का लेवल, ठीक है, 315 से 300 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है, मेजरली 315 का लेवल है, 315 का लेवल ब्रेक करता है तो हमको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो आज फाइनली वो लेवल मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, 300 के नीचे मार्केट आ चुका है। अब अगर ये गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू होती है तो कहीं ना कहीं 225 का लेवल, ठीक है, 226 से 225 का लेवल, ये प्राइस आपको आती हुई स्टॉक में नज़र आ सकती है। कोई भी बड़ी बात नहीं स्टॉक के लिए, कुछ दिनों की बात है, स्टॉक कंटिन्यूसली सेल करेगा और इस प्राइस पे भी आ सकता है। ठीक है, या तो मार्केट इमीडिएट तौर पे अगर कल के दिन में रिकवरी करता है और फिर से अगर 315 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, अगर 315 के ऊपर सस्टेन कर गया तो मार्केट फिर रिकवरी कर सकता है, अदरवाइज 300 के नीचे नेगेटिव होगा, 226 नेक्स्ट नीचे में प्राइस आती हुई आपको नज़र आ सकती है। कोई भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये नीचे में नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए, एससीसी लिमिटेड। देखोगे इसमें भी अडानी ग्रुप का काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एंड यहाँ पर अगर मैं बात की जाए तो स्टॉक के अंदर लास्ट टाइम जो मैंने आपको एनालिसिस बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि लगभग 2300 लगभग 60 से 2400 की रेंज, ठीक है, ये रेंज मैंने आपको बना के दी थी कि 2400 से 2360 की रेंज है, अगर ये रेंज ब्रेक करेगा स्टॉक तो नेगेटिव होगा। और लास्ट टाइम देखोगे ब्रेकडाउन हुआ तो मैं ये चीज़ आपको दिख रही थी और दोबारा रीटेस्ट करके फिर से नीचे आ रहा था, तो ग्रुप स्टॉक ने तो पहले ही बता दिया कि मैं नेगेटिव हो चुका हूँ। और फिर नीचे में जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बता के रखा था, मेजरली लगभग ये प्राइस आपको दिख रही है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली इसको जूम करके दिखाता हूँ कौन सी प्राइस है एग्जैक्टली, आप देखोगे 1900 के आसपास का लेवल, ठीक है, यहाँ पर जो राउंड लेवल नंबर दिख रहा है 1880, यानी कि राउंड लेवल नंबर बात की जाए तो 1900 के आसपास का लेवल है। ठीक है, और ये लेवल मैंने आपको पहले बना के दिया था और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास मार्केट ने जो लो प्राइस थी उस पर हिट किया और वहां से हमको एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए फिर से अगर ये 1900 के लेवल के नीचे 1880 के नीचे अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर आपको 1580 से 1600 की रेंज आपको ये आती हुई नजर आ सकती है। कोई भी बड़ी बात नहीं स्टॉक के लिए नीचे आना। ठीक है, और अगर ये लेवल होल्ड करता है और अगर यहाँ से अगर तेजी करना स्टार्ट करता है स्टॉक, तो फिर से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाता हुआ 2300 से 2400 की रेंज, यानी कि 2360 की जो इंपॉर्टेंट रेंज है, वो कहीं ना कहीं फिर से हिट करता हुआ भी नजर आ सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो होल्ड करना जरूरी। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो है अंबुजा सीमेंट को समझना चाहिए कि अंबुजा सीमेंट के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, करंट प्राइस पे बात की जाए तो बहुत ही अच्छी प्राइस पे यहाँ पर मार्केट होल्ड करता हुआ नजर आया है, कहीं ना कहीं इसमें ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ठीक है, एक तो क्या होता है स्टॉक में ब्रेकडाउन हो रहा है, दूसरा है करेक्शन हो रहा है। स्टॉक में देखेगा काफ़ी समय से कुछ ना कुछ करेक्शन चल रहा है और करेक्शन के बाद एक अच्छी प्राइस पर कहीं ना कहीं 450 की अच्छी प्राइस पर मार्केट ने लो लगाया। अब ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, करेक्शन में लो लगाया, अब अगर यहाँ से रिकवरी करता है तो एक अच्छा रिकवरी कर सकता है। बाकी अगर ये 430 का लेवल होल्ड नहीं करता और इसके नीचे निकलेगा तो ये स्टॉक नेगेटिव होगा, बाकी ये स्टॉक नेगेटिव नहीं है, स्टॉक पॉजिटिव है, बस खाली करेक्शन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि अगर ये प्राइस 430 की रेंज, ये रेंज अगर प्राइस होल्ड करता है तो ठीक है ऊपर जाएगा, अदरवाइज क्या है कि ये होल्ड नहीं करता है, यहाँ से अगर करेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं इसके नीचे आता तो 320 की प्राइस पे भी आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, नीचे में नेक्स्ट सपोर्ट 320 का है तो ये प्राइस भी हमको देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ये होल्ड करता है लगभग 450 के आसपास का लेवल है जो भी चल रहा है, अगर वो प्राइस लो लेवल पे होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्टॉक रिकवरी करेगा और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं 550 का लेवल, ठीक है, 540 से 550 का लेवल, ठीक है, ये प्राइस कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है, यहाँ पर होल्ड यहाँ पर हिट कर सकता है और फिर डिसाइड करेगा कि स्टॉक को और ऊपर जाना है यहाँ से या फिर स्टॉक में यहाँ से फिर से करेक्शन करना है, फिर से गिरावट करनी है। ठीक है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्या, अगर ये लेवल होल्ड करता है तो फिर 600 और फिर ऊपर की तरफ 700 जा सकता है। ठीक है, आई होप कि मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही, बहुत ही शॉर्ट में फटाफट से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को स्पीड में फटाफट से बताया। ठीक है, आई
आपको कौन सा स्टॉक का एनालिसिस देखना था, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, मेरा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, गिरते मार्केट में कौन सा स्टॉक के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप भी अपने लिए करना चाहते हो या फिर मेरे पोर्टफोलियो को अगर आप कॉपी भी करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। आप लोगों के लिए हमने एक नई सर्विस स्टार्ट की है जहाँ पर आप सिंपली जो मैं स्टॉक इन्वेस्ट करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अपना एनालिसिस और अपना ओपिनियन और जो मैं अपनी पोजिशन होती है वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, तो सिंपली आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस चीज़ के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और हमारी जो एप्लीकेशन है ट्रेडिंग टॉक्स जो हम रिसेंटली हमने लॉन्च किए, तो एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी, राइट। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्यूरी है, आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वेबसाइट पर डायरेक्टली व्हाट्सअप का आइकन दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप हमें व्हाट्सअप पर कनेक्ट भी कर सकते हो। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की है और डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि गिरते मार्केट में आप लॉस करने से अच्छा है पहले कुछ चीज़ें सीखे समझे और सही डायरेक्शन में मैं किस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ वो चीज़ आप एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हैं, तो सो डोंट मिस आउट, राइट। एंड मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर।